Beautiful, beautiful, beautiful. यार आप लोग इतना कमाल का गा रहे हैं, हर परफॉर्मेंस के बाद देखिए एचआर कितने इमोशनल हो रहे हैं। एक बार तो फिर से एचआर के लिए जोरदार तालियां, उनकी कॉम्पोजिशंस के लिए, उनके काम के लिए। क्या बात है सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम में, उस दर्द भरे इंसान की बात है जो मोहब्बत में टूट चुका है, जो मोहब्बत में हर लम्हा अपनी गर्लफ्रेंड को याद कर रहा है, जी नहीं पा रहा है, उसकी तड़प, उसका पैशन, वो निकल कर अगर उस गाने में नहीं आया तो वो गाना सुर में कमाल लगेगा, वाह वाह होगी, लेकिन वो अमर नहीं होगा। और वो अमर तुमने आज उस गाने को बना दिया। थैंक यू सर, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। पवन, आपने मौसम बदल दिया। क्या एपिसोड हो रहा है ना, क्या बात है, क्या म्यूजिक है, क्या कॉम्पोजिशंस है, क्या परफॉर्मेंसेस है, क्या एचआर है। सर इसमें कोई शक नहीं है कि हम सब आपसे बेहद प्यार करते हैं। इनफैक्ट आपसे जो भी मिलता है वो आपके प्यार में पागल हो जाता है। आप इंसान ही ऐसे हैं, है कि नहीं। एचआर के लिए तालियां। आप करोड़ों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है, लेकिन कुछ शख्स हैं जो हमसे भी ज्यादा आपको चाहते हैं सर, और उन स्पेशल लोगों ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है, तो आइए देखते हैं। इमेज इज मेरा वंडरफुल चाइल्ड, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम, बिकॉज उसमें डेडिकेशन मैंने देखा है। एक काम करना है तो बस करना है। म्यूजिक उसके रग रग में समाया हुआ था बचपन से, मैंने जो उसको सिखाया, जो जो कुछ मुझे आता था। आज भी कोई भी अच्छा कलाकार जो गाता हो, अच्छा जिसमें दम हो, तो सबसे पहले उसको गवाएगा, रिकॉर्डिंग करेगा और मार्केट में लाएगा। और मार्केट में जब हिमेश लाता है तो एक अलग ही छाप होती है उसकी। मेरा बच्चा बड़ा जो चल बसा, उस वक्त भी मैं तो टूट गया था, उसने मुझे संभाल लिया, उसने कहा डैडी मैं हूं ना। एक तीन लफ्ज के जो उसके सेंटेंस पर मैं जी गया, क्योंकि उस वक्त मैं टूट गया। हिमेश के बारे में एक ही बात कहूंगी कि मेरे लिए वो भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। सो स्वीट। We love you, sir. I love you too. And अपने माँ बाप से हर बच्चा बहुत प्यार करता है। बस सब लोगों से यही प्रार्थना है कि सारे दुनिया के मम्मी डैडीज के लिए हम लोग सब मिलके दुआ करें, बिकॉज उनका आशीर्वाद है तो हम है। That's it. बेशक। आ रहे हैं आशीष कुलकर्णी।